लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में मैं ममता कुमारी सिंह फिर से आप लोगों के सामने हूँ क्लास 10th का चैप्टर 4 लेकर के। बच्चों, इस चैप्टर 4 को हमने इतने दिनों तक पढ़ाई किया है, अब इसके अंतिम पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ अब हम साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। और आप जानते हो साबुन क्या है, इससे आप अच्छी तरह से परिचित हो, आप इसे नहाते हो, मम्मी इसे कपड़े साफ करती है, आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हो। फिर साबुन के साथ अपमार्जक क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले हम साबुन को जानेंगे। साबुन क्या है बच्चों? साबुन एक ऐसा है, इसके अणु होते हैं, जो साबुन के अणु हैं वो एक्चुअल में लवण है। किसके लवण है? सोडियम और पोटेशियम के लवण है, जो कार्बोनिक एसिड के लवण होते हैं। यानी कि साबुन के अणु है वो लंबी श्रृंखला वाले, उसकी लंबी श्रृंखला बनती है वो कार्बोनिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम के लवण है। ये आप देख रहे हो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, इसको सोडियम कहते हैं, इसको पोटेशियम कहते हैं। तो कार्बोनिक एसिड हमने पढ़ा है बच्चों क्या होता है, सपोज इसको हमने मान लिया, इसके साथ हम जोड़ रहे हैं तो ये किसी के साथ भी आके जुड़ेगा, ये COH होता है, ये कार्बोनिक एसिड है हमने पढ़ा है। और इसके साथ में जब सोडियम या पोटेशियम के लवण आके जुड़ जाते हैं तो ये साबुन के अणु बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये साबुन के अणु हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हो। इसको समझाने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब जब साबुन के अणु, जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए जब आप साबुन लगाते हो तो साबुन के अणु हैं वो जल में घुलते हैं। तो जल में घुल के वो क्या करते हैं कि जो उसके आयनिक भाग है, ये आप देख रहे हो ये एक संरचना है, इसको आपने हमने मान लिया तेल की बूंद है, कोई भी मैल हो सकता है ये, तो उसको हमने तेल की बूंद मान लिया क्योंकि तेल की बूंद को साफ करने के लिए हम साबुन यूज करते हैं। तो ये तेल की बूंद है बच्चों, तो इसके साथ में जब साबुन के अणु हैं ये क्या करें, देखो आप कैसे करें, ये इधर ये आयनिक पार्ट है, इसका आयनिक भाग है, यानी कि इसके लवण के आयनिक भाग है। और ये दूसरा शीरा है, इसका दूसरा छोर है वो क्या है बच्चों, कार्बन की श्रृंखला है। ये आप देख रहे हो, ये कार्बन की श्रृंखला है ये है। तो ये जो भाग है कार्बन की श्रृंखला है वो तेल में घुल जाती है, जबकि ये है इसके लवण का आयनिक पार्ट है, ये आयनिक पार्ट जो होता है वो जल में घुल जाता है। ये कार्बनिक श्रृंखला आप देख रहे हो ये जल में घुल जाता, तेल में घुल जाता है, और जो ये आयनिक पार्ट है वो जल में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। और इस तरीके से ये आप देख रहे हो ये आयनिक संरचना, जो ये जल में घुल रहा है, दूसरा छोर इसका कार्बनिक जो श्रृंखला है वो तेल में घुल रहा है। इस तरफ आप देख रहे हो तेल की बूंद है, यहाँ पर इसका कार्बनिक श्रृंखला वाला पार्ट है, और दूसरा छोर है इसका ये आयनिक पार्ट है। इस तरह से ये जल में घुलता है और जो ये संरचना तैयार हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, मिशेली संरचना। ये क्या है बच्चों, मिशेली संरचना है, ये मिशेल बनाता है। और इस तरीके से जो पार्ट एक छोर उसका जल के बाहर रह रहा है और दूसरा छोर मैल की तरफ रह रहा है, तेल की बूंद की तरफ रह रहा है, तो इस तरह की जो संरचना वो बनाता है उसको हम कहते हैं इमल्शन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये कहलाता है इमल्शन। और जो ये इमल्शन कहलाता है, और जो ये मिशेली संरचना बन रही है यही मिशेली संरचना है जो मैल को काटता है, आपके कपड़े को साफ कर रहा है। आप स्कूल ड्रेस पहनते हो, आपके कपड़े में इंक लग जाता है, स्याही लग जाती है, आप टिफिन खाते हो उसको तेल लग जाते हैं, मम्मी उसको साफ करने के लिए साबुन लगाती है, वो साबुन इस तरीके से आपके कपड़े में काम करता है और आपके कपड़े, आपके यूनिफॉर्म साफ हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों ये साबुन का हमने कार्य देखा, किस तरह से संरचना होती है और वो कैसे कार्य करता है। अब आप ये देखते हो, ये आपकी मम्मी आपको बता सकती है कि कभी कभी साबुन झाग नहीं देता है, ऐसे आप डेली नहा रहे हो तो आपके, जब आप साबुन लगाते हो तो बहुत सारा झाग होता है, ये कपड़े में आप साबुन लगा रहे हो तो झाग निकलता है। लेकिन कभी कभी किसी, आपने कोई नए जगह पे चले गए, आप किसी अपने रिलेशन के रिश्तेदार के यहाँ चले गए, कहीं गेस्ट बन के चले गए, तो आप कभी कभी ये नोटिस करते हो कि आपने जब साबुन लगाया नहाने के लिए तो वो झाग नहीं देता है। उसका कारण क्या है बच्चों,
झाग नहीं आने का कारण है, आप तभी समझ जाओगे तुरंत कि वो कठोर जल है। ये कठोर जल है तभी झाग नहीं दे रहा है। झाग नहीं देने का कारण क्या है कि हमने पढ़ा है कि इसमें कौन से लवण है, सोडियम और पोटेशियम है। ये सोडियम और पोटेशियम लवण जब साबुन के पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम लवण जब जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ में अभिक्रिया करते हैं, जल में बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ये आप पहले भी पढ़े हुए होंगे। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण है वो इसके सोडियम और पोटेशियम लवण के साथ अभिक्रिया करते हैं, और एक जब अभिक्रिया करते हैं तो वो एक अघुलनशील पदार्थ बनाता है जिसको हम स्कम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम स्कम कहते हैं। स्कम क्या है? साबुन के सोडियम और पोटेशियम लवण के साथ में जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण आपस में मिल करके एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसको हम स्कम कहते हैं। तो ये जब स्कम बनता है, अघुलनशील पदार्थ बनता है, तो वो मैल को साफ नहीं कर पाता है क्योंकि झाग नहीं बन रहा है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग कपड़े कैसे साफ करेंगे? वो झाग जब तक नहीं बनेगा आपके कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे। साफ भी होंगे तो वो उसको छूने में आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। तब उस स्थिति में कठोर जल में काम करने के लिए हम अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं। तो अपमार्जक क्यों काम कर रहा है और साबुन काम क्यों नहीं कर रहा है बच्चों, इसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अपमार्जक में अमोनियम है, अमोनियम और सल्फोनेट लवण है। ये अमोनियम और सल्फोनेट लवण के होने के कारण अभी देखिए ये क्या कर रहा है, इसमें फर्क क्या हो रहा है साबुन में और अपमार्जक में, ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण ये साफ कर रहा है। अभी आप देख रहे थे जल में ये है और साबुन में ये है, लेकिन अब अपमार्जक हम यूज कर रहे हैं तो अमोनियम और सल्फोनेट के लवण है जो जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं। जब ये अमोनियम और सल्फोनेट लवण है ये जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो ये अघुलनशील लवण नहीं बना रहे हैं, अघुलनशील पदार्थ नहीं बना रहे हैं। जब अघुलनशील पदार्थ नहीं बन रहे हैं तब क्या हो रहा है, वो पानी में घुल करके झाग दे रहा है। यहाँ जो आपने देखा था पानी में घुल रहे हैं, तो यहाँ पे जब अपमार्जक घुल रहा है तो वो झाग दे रहा है, और वो झाग क्या करता है आपके कपड़े के मैल को साफ करने में मदद करता है। यही कारण है कि हम जब कठोर जल जहां हमें मिलता है वहां पर हमें अपमार्जक इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये अपमार्जक आप किस में देख सकते हो, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप अपने जब बाल धोते हो तो आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हो, वो शैम्पू आपके कठोर जल हो या मृदु जल हो वो झाग देता है और आपके बाल को साफ कर देता है, लेकिन साबुन से ऐसा नहीं होगा कठोर जल में। इस तरह से इसका अपमार्जक का आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हो शैम्पू। ये शैम्पू है जिसमें अपमार्जक यूज होता है। दूसरा है कपड़े धोने के उत्पाद जिसमें हम वॉशिंग पाउडर को समझ सकते हैं। इस तरीके से जो भी पाउडर है वो इसमें, इसके सारे उत्पाद अपमार्जक में आते हैं। जो साबुन काम नहीं करता है वो अपमार्जक काम करता है। बच्चों इस तरह से आज हमने इस पार्ट को कार्बन और उसके यौगिक, इस पूरे चैप्टर को, चैप्टर 4 को आज हमने कंप्लीट कर लिया। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले नए पार्ट के साथ फिर से मिलेंगे।